जाकर एपी बाइंडिंग में जाना, बिलैंस सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर वो सीक्रेट की यहाँ पेश करना, और वापस वो पेश करने के बाद वापस जाना यहाँ, तो एपीए की कॉपी करना, एपीए की कॉपी कर अब जाकर यहाँ तो पेश करना, एपीए की पेश करना। ये पेश करने के बाद यहाँ तो वेरिफिकेशन, सेंड वेरिफिकेशन कोड क्लिक करना, आपका ईमेल पे रॉयल क्यू से एक ये मेल आ जाएगा, वहाँ तो जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ डालना है, और उसके बाद आई हैव एक्सेप्टेड द रिस्क क्लिक करना है, और उसके बाद अपने बाइंड करेगा तो ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा। ओके सर, ओके, क्लियर, थैंक यू सर। और किसी का कुछ डाउट है तो हम आगे जाऊं? संजय गुप्ता, एक आदमी, सर इसमें खाली जो बैलेंस रखना पड़ता है तो ये बाइनेंस पे रखना पड़ेगा या किस पे रखना पड़ता है जो फंड रखना है ट्रेडिंग के लिए? सर जी ट्रेडिंग तो बाइनेंस, बाइनेंस में ही होता है। तो बाइनेंस में यूएसडीटी रखना होगा ना डिफाइन करके? यानी हमारा जो ट्रेडिंग जो होता है वो बाइनेंस में ही होता है। ये रॉयल क्यू क्या है कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए हमारे नौकरी है ये रॉयल, हम जैसे बताता है वैसे बाइनेंस में वो ट्रेडिंग करेगा। इसमें रॉयल क्यू में आप पैसा कुछ भी नहीं रखने की जरूरत नहीं, पैसा इतना ही पैसा रखना है जो इसको फीस देने के, क्योंकि ये फीस बाइनेंस 107 यूएसडीटी बस हो जाएगा। 107 का मत, 120 इसलिए रखता है, 100 तो एक्टिवेट करने के लिए और $20 फीस देने के लिए। मानकर चलिए अभी तो हर ट्रेड होने के टाइम पर, अभी मानकर चलिए ये ट्रेड हुआ, ये ट्रेड होने के टाइम पर प्रॉफिट अमाउंट हमारे इतना हुआ है, उसके ऊपर 20% हम फीस देना पड़ता है। ओके, और ये ट्रेड 24/7 होता रहेगा अपने आप? 24/7 ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। भरद्वाज सर, हेलो, या सर, हाँ नमस्कार सर, नमस्ते सर। हाँ सर, मेरे साउंड क्लियर है आपको? हाँ हाँ क्लियर। मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मतलब मेरी टीम में भी जैसे बात रहती है, क्या पुराना पुराना बाइनेंस का अकाउंट चलेगा या नया बनाना पड़ेगा हर एक आदमी? सर जी बनाया आपने जो बैलेंस अकाउंट आपका है उसमें उसमें तो काम है, वो चलेगा, आप वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज मन में रखना जरूरी है, यानी मानकर चलिए आपने रोबो को बताया है BNB ट्रेड करने की, ठीक है, लेकिन BNB उसी टाइम पर आपके पास जो BNB है उसमें से आपको किसी और को BNB देना है, नहीं तो आपने कुछ BNB मैनुअली सेल किया तो क्या होगा, रॉयल क्यू जो लिया है वो BNB का क्वांटिटी और जो बैलेंस पे जो होता होता है वो क्वांटिटी अलग रहने के टाइम पर रॉयल क्यू को कंफ्यूजन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या करना है कि आपने जो ट्रेडिंग करता है यानी रॉयल क्यू के माध्यम से जो ट्रेडिंग करता है उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो वो BNB अब फीस देने के लिए भी रखता होगा, लेकिन वो BNB फीस के लिए अगर रखने के लिए अलग से रखना चाहिए। पैसा वाला छोटा छोटा चीज मैं अभी बस समझ गया, मान लीजिए मेरे बेटे का एक अकाउंट बना हुआ है बाइनेंस में ऑलरेडी, ओके ठीक है, हेलो, अब बोलिए। हाँ तो मान लो अगर वो चाहता है तो क्या उसको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या जो पुराना है वो उससे ही काम कर सकता है? वही मैं बताया सर जी, आपने नया अकाउंट बनाने की कोई जरूरत भी नहीं होगी, लेकिन जो पुराना अकाउंट में आप जो करता है उसमें ये ध्यान में रखना जरूरी, ठीक है, अच्छा वो ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है, यानी मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन वो बिना अकाउंट पे होता है तो इसमें करने के लिए अलग से अकाउंट खोलना ही अच्छा हो। अच्छा एक बात, दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम संजय भारद्वाज, रॉयल क्यू में मैंने रजिस्ट्रेशन किया संजय भारद्वाज के नाम से, बाइनेंस में संजय भारद्वाज का ही अकाउंट होना चाहिए या मेरे बेटे का अकाउंट है उसको भी ट्रांसफर करूँ? ऐसा ऐसा भी कुछ भी नहीं है, आपने जो AFP के माध्यम से ही कनेक्शन होता है वहाँ नाम का कोई ये नहीं है, मतलब ईमेल आईडी जैसे बाइनेंस भी ईमेल से खुलता है ये भी ईमेल से खुलता है, वो दोनों अलग है, बाइनेंस दोनों अलग है, दोनों अलग, उसमें कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो बाइनेंस और रॉयल क्यू का कनेक्शन सिर्फ AFP का ही क्या सबसे ही होता है, वो किसी का वो भी वो देखता नहीं।